गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सब? नमस्ते। मैं अभी इस्तांबुल में हूँ। खास करके यहाँ का जो कल्चर है वो इस्लाम आधारित है, और यहाँ का जो लोग है आधा यूरोपियन टाइप का है और आधा एशियन टाइप का है। इसलिए यहाँ पे खाना जो है वो हमारा इंडिया जैसा ही लगता है बिल्कुल। मैं आज चलते चलते एक आर्टिस्ट को मिला जो रास्ते के बाजू में अपना जो क्रिएशन है उनको उन्होंने लगाया हुआ है, तो मेरा मन हुआ कि इस आर्टिस्ट से कुछ दो चार शब्द बातें करें। और उन्होंने अपना सरलिस्टिक अप्रोच से इन्होंने कुछ पेंटिंग्स वगैरह बनाया हुआ है। मुझे लगा कि इनसे दो चार बातें करें और इनका मन के अंदर जो भावना है ये क्या कहना चाहता है, ये क्यों यहाँ पे रोड साइड में अपना पेंटिंग्स एग्जीबिशन लगाया हुआ है, ये सभी मेरे मन में भी विचार आया कि इनसे मैं दो चार बातें करूं। चले इनसे बात करते हैं अभी। हाउ मच यू सेल फॉर दिस? हाउ मच? 10 euro, 70 lira. I give you the all my, okay? 70 lira. 70. 70 lira. 70 lira. Yes. Yeah. I give you one of all your country. Where are you from? India. India. Understand? Because in Turkey, this surrealism. Surrealism. Yeah. Coming time. No, understand. My. यहाँ पे दो शब्द बात करना चाहता हूँ। जो शब्द वो पेंटर ने यूज किया सरियलिज्म करके, मतलब हिंदी में इसको अति यथार्थवाद कहते हैं। अति यथार्थवाद जो है उसमें बहुत गिने चुने कलाकार जो है अपना एक्सप्रेशन किया है, अपना पेंटिंग बनाया हुआ। इस यथार्थवाद का शैली में दो प्रमुख कलाकारों को मैं उनका नाम बताना चाहता हूँ। एक स्पेन का आर्टिस्ट था, उनका नाम था सल्वाडोर डाली, और दूसरा एक बेल्जियन आर्टिस्ट था, उनका नाम था रेने मैग्रिट। ये दोनों बहुत प्रमुख कलाकार है, अति यथार्थवाद के शैली में काम करते थे। तो ये कलाकार जो है जिसको अभी मैंने मिला, तो ये कलाकार भी उसी परंपरा में ही काम किया हुआ है। इनका चिंता यह है कि मेरा जो क्रिएशन है, मैं जो बना रहा हूँ, अपना लोकल आदमी जो है, ऑडियंस जो है, वो कोई पहचान नहीं पा रहा है। सिर्फ अमेरिकन हो या रशियन हो, मेरा आर्ट को बहुत पसंद करते हैं करके यह महाशय कह रहा था। बेचारा अभी कह रहा है इसको भी इच्छा है बुडापेस्ट जाने का और यूरोप में एग्जीबिशन करने का, इसका भी मन है मगर बहुत परेशान लग रहा है। और यहाँ पे बोल रहा है कि मेरा कोई आर्ट खरीदेंगे नहीं और कोई भी मेरा सरलिस्टिक टाइप का आर्ट कोई जानता नहीं बोल रहा है। इसलिए यहाँ रस्ते के बाजू में पेंटिंग और एग्जीबिशन वगैरह लगा रहा है। हम उसको बेस्ट ऑफ लक कहेंगे। फ्यूचर बेस्ट ऑफ लक फॉर यू। बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक। गुड लक। सी यू। बाय। दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा दिल भर आया उनका कहानी सुन के। दुनिया में ऐसे इतने कलाकार बैठे हैं जो उनको कोई मदद नहीं है, कोई भी सपोर्ट नहीं है, अपनी एक जुनून, अपना एक लगन से काम करते हैं। बस वही लगन जुनून उनका सहारा है। हमारा भूत में जाके हम झांक के देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितना दर्द और कितना दुख की कहानी है सब कलाकारों की। जो जो जिंदा थे वो अपने जुनून के वजह से जिंदा थे, और न खाने को मिला, न जिंदगी में उन्होंने सुख पाया, बस अपने जुनून के पीछे लग गए, अपने काम करते गए, भविष्य का कोई चिंता न किया, करते गए करते गए। हमारा वीडियोस आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगला एपिसोड में हम देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे एक बहुत बड़ा कलाकार
विंसेंट वैन गॉग, ये डच कलाकार था। इनका ट्रेजिक लाइफ के बारे में हम जानेंगे, फिर मिलेंगे। धन्यवाद, बाय बाय।